हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो फाइनली फोर्थ हेड पे हम आ गए हैं। सैलरी कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी कर चुके हैं, पीजीबीपी कर चुके हैं, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, यानी कि कैपिटल गेन। सर, सबसे पहली बात, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन तो इस चैप्टर में आएगा आएगा, ये तो श्योर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट के साथ साथ दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, पीजीवीपी से भी ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग है। पीजीवीपी तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर था, और ये काफी इजी है, काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस पर आप ध्यान रखना अपना, आपके मार्क्स स्कोर करवाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। आइए सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट बातें रिलेटिंग टू द चैप्टर, तीन इंपॉर्टेंट बातें रिलेटिंग टू द चैप्टर मैंने यहां पे साइड में एक छोटा सा बना रखा है बॉक्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नंबर वन, दिस इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। हां जी, तो ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। जैसे मैंने बताया, पहला हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल गेन। फोर्थ हेड में लिखा है इनकम विल बी कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस। यहां पर जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस पे। पीजीबीपी में अगर आपको याद हो तो इनकम टैक्सेबल होती है ड्यू और कैश एज द मेथड ऑफ काउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय द असेसी। जैसे असेसी अपनी बुक्स बनाता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी इनकम टैक्सेबल होती है। सैलरी में याद होगा ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू बेसिस, पीजीबी में बताई दिया, और यह है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी आपकी इनकम टैक्सेबल होगी ऑन ड्यू बेसिस। तीसरा, यहां पर हमारे सेक्शन रहेंगे 45 से लेकर 55 कैपिटल ए तक। सर, यह हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर है। तीन इंपॉर्टेंट बातें जो मैं हर चैप्टर में बताता हूं, फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, ड्यू बेसिस है, और सेक्शन 45 से लेकर 55 कैपिटल ए तक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45(1), चार्जिंग सेक्शन। सर, चार्जिंग सेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं हर चैप्टर के अंदर जो पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग होता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन था। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन था। अगर मैं बिजनेस और प्रोफेशन के चैप्टर की बात करूं, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन था, और कैपिटल गेन में है सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वहां पहला सेक्शन होगा सेक्शन 56, और वो होगा उस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन। ओके, तो चार्जिंग सेक्शन 45 क्या कहता है? वैसे मैं आपको हर चैप्टर में बताता होता हूं कि चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है हाउ डू वी नो दैट वी फॉल अंडर दिस चैप्टर। कैसे पता लगेगा कि जो इनकम हमने कमाई है वो इनकम इस चैप्टर में आएगी? अरे, अगर हम कोई इनकम कमाते हैं तो वो पांच में से किसी एक हेड में आती है, लेकिन पता कैसे लगता है कि वो कौन से हेड में आएगी, ये बात चार्जिंग सेक्शन बताता है। मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन की इनकम है, ये बात कैसे पता लगती है, ये लिखा है सेक्शन 45(1) में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट सेक्शन 45(1), यानी कि चार्जिंग सेक्शन। और सर, साथ में आप समझ भी गए हो कि चार्जिंग सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो सर, सेक्शन क्या बोलता है ध्यान सुनना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। यहां जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी अलग है, मैं बिल्कुल सिंपल। इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट, अगर आपके पास कैपिटल एसेट है एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, अगर आपके पास कैपिटल एसेट है और आपने ट्रांसफर किया कैपिटल एसेट को, सुनिए प्लीज, आपने दो कंडीशन पूरी कर दी है। बस आपको दो ही कंडीशन पूरी करनी है, तीसरी बात बाद में करेंगे। दो बातें पूरी कर दो, एक आपके पास कैपिटल एसेट है और आपने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है। कैपिटल एसेट क्या होती है? सेक्शन 2 क्लोज 14 में लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, थोड़ी देर में करवाऊंगा। ट्रांसफर का मतलब क्या है, थोड़ी देर में करवाऊंगा, 2 क्लोज 47 में लिखा हुआ है। वैसे कैपिटल एसेट को एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए, आप ये मान लो कोई बड़ी एसेट, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए मान लो हाउस प्रॉपर्टी, बड़ी एसेट की बात कर रहे हैं। हालांकि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए मान लो कोई कैपिटल नेचर की एसेट, बड़ी एसेट,
ट्रांसफर का भी बड़ा वाइडली मीनिंग है इसका, लेकिन एक बार के लिए आप ऊपर ऊपर से समझ लो सेल, ऊपर ऊपर से समझ लो सेल। सेल कहना चाह रहा हूं, आप ऊपर ऊपर से इसका मतलब सेल समझ लो। आप समझो, इफ यू हैव ए कैपिटल एसेट, अगर आपके पास कैपिटल एसेट है एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, और आपने उस कैपिटल एसेट को सेल किया है, ट्रांसफर किया है, तो सर कैपिटल गेन चैप्टर लग गया, देन द प्रोविजंस ऑफ द कैपिटल गेन चैप्टर अप्लाई। मेरी बात सुनिए सर, आप बोलेंगे सर कैपिटल एसेट है, हमने ट्रांसफर कर दिया, इनकम होगी, इसकी क्या गारंटी है, लॉस भी तो हो सकता है, कैपिटल गेन कैसे लग गया? लग गया सर कैपिटल गेन, अगर लॉस हुआ तो वो लॉस भी कंप्यूट किया जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, और अगर प्रॉफिट हुआ फिर वो तो है ही इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास कैपिटल एसेट है और आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, अब ट्रांसफर करने के बाद चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों की ट्रीटमेंट कैपिटल गेन के चैप्टर में की जाएगी। बस दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, यू मस्ट हैव कैपिटल एसेट एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, देन व्हाटएवर द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी इनकम। उस प्रॉफिट और गेन को क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। किस चैप्टर की? किस चैप्टर की? शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ कैपिटल गेन, डीम्ड टू बी इनकम दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर लॉस हुआ तो दैट लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, लॉस कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर लॉस पे भी टैक्स लगेगा क्या? लॉस पे टैक्स नहीं लगता सर, टैक्स नहीं लगता, लेकिन लॉस होगा तो वो आपको कोई और कैपिटल गेन होगा किसी और एसेट से, तो उसमें सेट ऑफ करने के लिए काम आएगा, सेट ऑफ कर सकते हो आप। आइए देखें, आपको मैं यहां पे इस चार्ट से पढ़ाऊंगा। चार्जेबिलिटी, सेक्शन 45 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने अभी ये वाला पार्ट करवाया है, ये वाला नहीं करवाया। सेक्शन 45 कहता है इफ यू हैव कैपिटल एसेट एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, देन वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और गेन और लॉस that will be covered under capital gain. If there is a profit or gain, that profit or gain shall be deemed to be income and this income is taxable under head capital gain. Sir, profit or gain का मतलब सिर्फ income है। Profit or gain लिखने से कोई ये नहीं कि कोई profit हुआ है। Profit का मतलब income, gain का मतलब income। आपको profit या gain, profit और gain में कोई difference नहीं है। प्रॉफिट और गेन इंटरचेंजेबल वर्ड है जो एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों का एक सिंगल मतलब है इनकम, तभी तो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर लॉस हुआ तो सर इनकम इंक्लूड लॉस आल्सो। सेक्शन 2 क्लोज 24 जो डेफिनेशन ऑफ इनकम है वो एक जगह बोलते हैं इनकम इंक्लूड लॉस आल्सो, इनकम में लॉस भी आते हैं, तो लॉस भी इस चैप्टर का ही माना जाएगा। क्या टैक्स लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। मैंने नहीं लिखा टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन, मैंने लिखा लॉस टू बी कंप्यूटेड अंडर हेड कैपिटल गेन, लॉस टू बी कंप्यूटेड अंडर हेड कैपिटल गेन। लॉस को कंप्यूट किया जाएगा अंडर हेड कैपिटल गेन और सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस उसके ऊपर लग जाएंगे। हां जी सुनिए, क्वेश्चन है इफ यू हैव कैपिटल एसेट एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस कैपिटल एसेट इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और गेन, देन सच प्रॉफिट और गेन शैल बी डीम्ड टू बी योर इनकम। वो प्रॉफिट और गेन आपकी इनकम माने जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, इनकम किस ईयर की माना जाएगा? हाँ जी सर, माना इनकम जो मानी जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड कैपिटल गेन, बट वो इनकम किस प्रीवियस ईयर की है और एंड अकॉर्डिंगली कौन से असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। मेरा मतलब है वो इनकम कौन से प्रीवियस ईयर की है। लोग कहते हैं दिस इनकम इज ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस ईयर में ट्रांसफर हुई है उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। सर सेक्शन 45 का जो सेकंड पार्ट है ना, जो सेकंड पार्ट मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, ये आप फर्स्ट पार्ट मान लो सेक्शन 45 का और ये आप सेकंड पार्ट मान लो। फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्रॉफिट और गेन को इनकम माना जाएगा, प्रॉफिट और गेन को इनकम माना जाएगा। सेकंड पार्ट कहता है उस ईयर की इनकम माना जाएगा जिसमें ट्रांसफर हुई है एंड अकॉर्डिंगली फिर जो असेसमेंट ईयर आएगा उसके अंदर टैक्स लगाया जाएगा। किस चैप्टर में? वो फर्स्ट पार्ट कहता है टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन लगाया जाएगा, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर मेरे पास दो क्वेश्चन है, क्या कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट और गेन आएंगे उसे इनकम माना जाएगा, उसे कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्स किया जाएगा? जवाब है यस,
क्वेश्चन है दूसरा, किस ईयर की इनकम माना जाएगा, कौन से असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाएगा। लॉ कहता है जिस ईयर में ट्रांसफर हुए हैं वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा, उस प्रीवियस ईयर की इनकम माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर जो असेसमेंट ईयर आएगा उस असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाएगा। सुनिए सर, सुनिए, यहां पर ना कुछ एक्सेप्शन है सर, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैंने पार्ट बी में लिखी है, सेकंड पार्ट में लिखा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा। सर यहां क्या एक्सेप्शन है, 1, 2, 3, 4 अभी नाम नहीं लिख रहा मैं, अभी नाम नहीं लिख रहा। इन एक्सेप्शन में क्या होगा सर, जो एक्सेप्शन है 1, 2, 3, 4 इसके अंदर क्या होगा, इनकम तो कैपिटल गेन की चैप्टर की मानी जाएगी लेकिन उस प्रीवियस ईयर की नहीं मानी जाएगी जिस ईयर में ट्रांसफर टुक प्लेस है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुई है, बल्कि किसी और प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी। नॉर्मली इनकम मानी जाएगी, नॉर्मली जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से प्रॉफिट एंड गेन आएंगे उन्हें इनकम माना जाएगा उस ईयर का जिसमें कैपिटल, जिसमें ट्रांसफर हुई है, जिसमें ट्रांसफर हुई है। बट इन द केस ऑफ द एक्सेप्शन द इनकम तो मानी जाएगी बट उस प्रीवियस ईयर की नहीं जिसमें ट्रांसफर हुई है, बल्कि किसी और प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी। सर किस प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी, सर ये मैं वही बताऊंगा जब मैं उस क्वेश्चन में पहुंचूंगा। एक्सेप्शन सर मैं बता देता हूं, ये एक्सेप्शन एक तो आपकी सेक्शन जो एक्सेप्शन है आप चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ, एक तो एक्सेप्शन है सेक्शन 45(1)(a) के अंदर, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 45(2) के अंदर, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 45(5) के अंदर और एक एक्सेप्शन है सेक्शन 45(5)(a) के अंदर, 5A के अंदर। अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेन मैं करूंगा बाद में जब इन सेक्शन पे आऊंगा ना। बट मैं इतना कह सकता हूं कि सेक्शन 45(1)(a) जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं बोलूंगा कि इनकम प्रॉफिट एंड गेन शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द ऑफ दिस चैप्टर बट नॉट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस बट इन सम अदर प्रीवियस ईयर। किसी और प्रीवियस ईयर की इनकम माने जाएंगे, इस प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं माने जाएंगे। सर फिर से सुनो, ये बात आपको एक बार क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो 45 का पूरा जिस्ट क्लियर नहीं होगा ना सर, आपको ये चैप्टर समझ में आ ही नहीं सकता। और यकीन मानो 45 क्लियर होगा ना तो चैप्टर बड़े इजीली समझ में आएगा। सर सेक्शन 45 कहता है चार्जेबिलिटी सेक्शन, इफ यू हैव एन कैपिटल एसेट एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, ट्रांसफर द कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या होती है ये सर हम आपको बताएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। ट्रांसफर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर, बताएंगे सर बताएंगे, जब आएगा टाइम तब बताएंगे। इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट एंड यू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर इफ देयर इज अ प्रॉफिट और गेन, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर इफ देयर इज अ प्रॉफिट और गेन देन सच प्रॉफिट और गेन शैल बी डीम्ड टू बी इनकम of the previous year in which transfer took place and shall be taxable under the head capital gain and shall be taxable under the head capital gain। sir ye puri language hai। however in the case of 45(1)(a), 45(2), 45(5), and 45(5)(a) income shall be deemed to be of the capital gain but it shall not be taxable in the previous year in which transfer took place but it will be taxable in some अदर ईयर। वो कौन से अदर ईयर में टैक्सेबल होंगी जब मैं ये सेक्शंस आपको लेके चलूंगा एक्सेप्शन वाले तभी बताऊंगा। आइए चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं सर, डिटेल में पढ़ते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। आगे लिखा है अनलेस सच कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54(b) एटसेट्रा। सर एक सेक्शन है 54 एंड एटसेट्रा, बहुत सारे सेक्शन है 54 के, वहां एग्जेम्प्शन मिलती है कैपिटल गेन में। बोला अगर वहां एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म, अगर वहां एग्जेम्प्ट नहीं है तो यह टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल है। तो पहले तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे और अगर एग्जेम्प्शन होगी तो वो ले लेंगे, वरना फिर टैक्सेबल है ही है।
सिंपल। तो 54 को आप इतना मत देखो, ये आगे जाके डिटेल में आएगा। आइए सर प्लीज लेट अस स्टार्ट कैपिटल एसेट। हां जी, तो अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैपिटल एसेट, व्हाट इज कैपिटल एसेट, और अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इससे इंपोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि कोई भी आप अगर इस चैप्टर में आना चाहते हो ना तो आपके पास दो बातें होनी मस्ट है, एक कैपिटल एसेट का होना और दूसरा उसके ट्रांसफर का। सर दो डेफिनेशन तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी अच्छी तरीके से, एक कैपिटल एसेट क्या होती है और एक ट्रांसफर में क्या क्या आता है, ट्रांसफर में क्या क्या आता है। तो सर सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल एसेट, सेक्शन है 2 क्लोज 14। कैपिटल एसेट मींस, सर डेफिनेशन स्टार्ट हुई है विद द वर्ड मींस, विद द वर्ड मींस। अच्छा, मुझे लगा मींस जो है वो एक एग्जॉस्टिव का इंडिकेशन होता है, मतलब एक्सप्लेन करेगा बस इसमें ये आएगा। मींस और इंक्लूड में डिफरेंस होता है, यू नो ना, मींस एंड इंक्लूड मैंने आपको बताया हुआ पहले फर्स्ट क्लास में। जो डेफिनेशन मींस के साथ शुरू होती है वो एग्जॉस्टिव नेचर की होती है, रेस्ट्रिक्टिव नेचर की होती है, बस ये चीजें आएंगी। और जो डेफिनेशन इंक्लूड के स्टार्ट होती है वो इंक्लूसिव नेचर की होती है, और उसमें और भी कई चीजें आ सकती हैं जो लिखी होती हैं, उसके अलावा भी आ सकती है, सिमिलर कैरेक्टर की हो तो कुछ और भी शामिल हो सकता है उसी तरह का। लेकिन सर डेफिनेशन स्टार्ट मींस से हुई है, लेकिन देखना इसके रंग ऐसे बदलेंगे कि ये बन इंक्लूड जैसी जाएगी, मतलब है तो मींस के साथ ही, लेकिन इसकी जो आउटपुट निकल के आएगी ना, जो डेफिनेशन की एक्चुअल चीज निकल के आएगी वो इंक्लूड जैसी बन के आएगी, दिखाऊंगा आपको। कैपिटल एसेट मींस लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यस, लोग कहते हैं कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। चलिए सर, हेल्ड बाय एन असेसी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी। असेसी तो वो होता है जो टैक्स पे करता है, यानी कि अगर मैं कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे बारे में बात चल रही है। सर लोग कहते हैं कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी। सर क्या मतलब बना इसका, मेरे पास ये मोबाइल है तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो है मेरी, प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है तो अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो ये कैपिटल एसेट है, अगर कैपिटल एसेट है तो मैं इसे बेचूंगा यानी कि ट्रांसफर करूंगा तो कैपिटल गेन का चैप्टर आएगा। ओके, मेरे पास टेबल है, टेबल ये जो मैं काम कर रहा हूं ना यहां पे, एक टेबल बना हुआ, आपको दिखाई नहीं देता टेबल, लेकिन एक टेबल है यहां पे, वो टेबल जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है। सोफा रखा है यहां पे, तो सोफा जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है। सामने कैमरा लगा है, कैमरा मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा लैपटॉप रखा है, लैपटॉप मेरी प्रॉपर्टी है। सो मुझे लगता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कुछ ज्यादा ही वाइड हो गया, कुछ ज्यादा ही वाइड हो गया। ये तो कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी हो, वट एवर ऑफ एनी काइंड। मैंने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने अभी डेफिनेशन आधी पढ़ी है, मुझे पता है लॉ मेकर थोड़ी देर में लिखने वाला है कि या तो वो जो बिजनेस से रिलेटेड है या वो जो पर्सनल से रिलेटेड है, कोई एक कहेगा, ऐसे थोड़ी होता प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कोई भी हो। चलो पढ़ते हैं, कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। लो जी, डेफिनेशन ने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। डेफिनेशन कहती है वेदर और नॉट, चाहे वो कनेक्टेड बिजनेस और प्रोफेशन से है और चाहे वो कनेक्टेड बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, वो भी कैपिटल एसेट है, दोनों कैपिटल एसेट है। ओ माय गॉड, अगर मैं इस लाइन को एनालाइज करूं, अगर मैं ए पॉइंट को एनालाइज करूं तो वो ये कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है और चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, दोनों ही सूरत में ये प्रॉपर्टी मेरी कैपिटल एसेट है, दोनों ही सूरत में ये प्रॉपर्टी मेरी कैपिटल एसेट है। सर कैसी लैंग्वेज लॉ ने लिखी है, कैसे आपको कहां लगता है कि ये डेफिनेशन मींस के साथ जमती है या मींस के जैसी बनती है। लॉ कहता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है या चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैंने लॉ मेकर को बोला सर मेरी एक क्वेश्चन है, सर अगर मैं इस डेफिनेशन को यहीं तक पिक करूं तो एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। सर बोले क्या समस्या आएगी। मैं कह सर देखो, मैं ना, मेरा काम है
मैं एक ज्वेलर हूं, या ऐसा मानो चलो मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं, क्लोथ मर्चेंट, मेरा काम है कपड़ा खरीदना कपड़ा बेचना। बोले ठीक है भाई, ठीक है तुम एक कपड़े के व्यापारी हो, तुम्हारा काम है कपड़ा खरीदना कपड़ा बेचना। अब आगे बोलो। मैंने कहा कपड़ा मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। बोले बिल्कुल, कपड़ा मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, कपड़ा मेरे स्टॉक इन ट्रेड है, कपड़ा मेरी प्रॉपर्टी भी तो है। बोले हाँ, कपड़ा तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मैं क्या, अगर मैं इसे कैपिटल एसेट मान लूं और फिर मैं इसे बेचूं, अगर उस पर कैपिटल गेन आ गया तो फिर बिजनेस के चैप्टर में क्या आएगा? एक एक बिजनेसमैन के पास तो बेचने के लिए ले देकर एक स्टॉक इन ट्रेड होता है, एक बिजनेसमैन के पास तो ले देकर बेचने के लिए एक स्टॉक इन ट्रेड होता है। अगर आप उसे ही बोल दोगे कैपिटल एसेट है, फिर तो वो कुछ भी बेचेगा, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगा, फिर पीजीबीपी के चैप्टर में क्या आएगा? एक किराने वाला है, किराने वाला, उसकी दुकान में सैकड़ों चीजें पड़ी है, चीनी पड़ी है, साबुन पड़ी है, उसकी दुकान में पता नहीं कितना सामान पड़ा है, वो सब क्या है? उस किराने वाले के लिए वो सब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। अगर वो उसे कैपिटल एसेट बोल दे तो भैया वो बेचेगा तो कैपिटल गेन आएगा, तो फिर पीजीबीपी चैप्टर में क्या आएगा? फिर बिजनेस के चैप्टर में क्या आएगा? सर ये तो बताओ, ये तो बताओ। लॉ मेकर ने कहा ये बात बड़ी काम की है, इसलिए हम आपको पूरी डेफिनेशन पढ़ाते हैं। आपने पूरी डेफिनेशन पढ़ी नहीं, बट डज नॉट इंक्लूड, अभी बी पॉइंट मत पढ़ना, अभी ये बी पॉइंट मत पढ़ना सर, अभी छोड़ देना। बट डज नॉट इंक्लूड, लिख दिया क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है, 1, 2, 3 एंड 4। सर चार पॉइंट लिखे हुए हैं, देख लो सर, चार पॉइंट लिखे हुए हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है। बट डज नॉट इंक्लूड, सर क्या मतलब होता है बट डज नॉट इंक्लूड का? जो नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। सर डेफिनेशन देखो, सर चार आइटम को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, तो फिर कैपिटल एसेट क्या है? एवरी एसेट इज ए कैपिटल एसेट अदर देन 4। इन चार को छोड़कर सारी कैपिटल एसेट है, इन चार को छोड़कर सारी कैपिटल एसेट है। सोचो सर, अगर डेफिनेशन ऐसे बनी होती, एक्सेप्टिंग दीज 4, एवरी एसेट इज ए कैपिटल एसेट, क्या ये मींस के साथ डेफिनेशन जचती है या ये इंक्लूड के साथ बनती है? सर ये तो इंक्लूसिव हो गई, इसमें तो सब कुछ शामिल कर लिया, ये तो इंक्लूसिव टाइप की डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन स्टार्ट मींस के साथ शुरू हुई है, लेकिन ले देकर बन गई इंक्लूड के साथ ही। देख लो आप कितनी खूबसूरती से जो लॉ मेकर है वो डेफिनेशन को मींस के साथ शुरू करता है और उसका रिजल्ट इंक्लूड के साथ बना देता है। यस, कैपिटल एसेट मींस, अब मैं बताऊं डेफिनेशन क्या है, कैपिटल एसेट मींस एवरी एसेट एक्सेप्ट 4, चार को छोड़कर सारी कैपिटल एसेट है। बताओ सर, मैं सारी कैपिटल एसेट के नाम याद करूं या उन चार के नाम याद करूं जो कैपिटल एसेट नहीं है? सर ऑब्वियस बात है, उन चार के नाम याद करो जो कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी जो कैपिटल एसेट है वो अपने आप ही बाकी कैपिटल एसेट हो जाएगी। सही बात है, मेरी प्रॉब्लम समझ में आई थी पहले। मैंने कहा था सर अगर आप सारी एसेट को कैपिटल एसेट मानोगे तो जो मेरा बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड है उसका क्या, और अगर आपने उसको भी कैपिटल एसेट मान लिया, अगर मेरे बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल एसेट मान लिया तो सर फिर बिजनेस में क्या आएगा? सर उन्होंने बोला बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। सर जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो मत पढ़ना, क्योंकि ब्रैकेट में जो लिखा है वो ऊपर वाले बी पॉइंट से रिलेटेड है, तो जब मैं बी पॉइंट पढ़ाऊंगा ना तभी ब्रैकेट वाला पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल्स, तीन नाम लिखे सर, तीन नाम लिखे सर, स्टॉक इन ट्रेड लिखा है, रॉ मटेरियल लिखा है और कंज्यूमेबल स्टोर लिखा है, ये तीन एसेट को बोल दिया गया नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। सर देखो एक बात बताऊं, तीनों स्टॉक इन ट्रेड है, तीनों स्टॉक इन ट्रेड नहीं है लेकिन तीनों स्टॉक इन ट्रेड में काम आते हैं। स्टॉक इन ट्रेड तो होता है, स्टॉक इन ट्रेड है सर, रॉ मटेरियल स्टॉक बनाने के काम आता है और कंज्यूमेबल स्टोर भी स्टॉक बनाने के काम आता है। जैसे अगर मैं चेयर्स का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं प्लास्टिक की चेयर बनाता हूं, सर जब चेयर बन जाएगी वो स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि मैं बेचता क्या हूं, चेयर्स, बन जाएगी तो स्टॉक इन ट्रेड है। सर जो मैंने प्लास्टिक खरीदा है वो तो मेरा रॉ मटेरियल है, वो तो मेरा रॉ मटेरियल है, मैं प्लास्टिक बेचता थोड़ी हूं, मैं तो उसे खरीदने के बाद उसकी चेयर्स बनाता हूं। तो लॉ ने बोला जाओ वो रॉ मटेरियल भी कैपिटल एसेट नहीं है, जाओ वो रॉ मटेरियल भी कैपिटल एसेट नहीं है, चेयर तो है ही नहीं क्योंकि उसे बेचोगे तो पीजीबीपी आएगा, अगर उसे ही कैपिटल एसेट मान लिया तो फिर कैपिटल गेन आ जाएगा।
चेयर तो है ही नहीं कैपिटल एसेट, वो जो तुमने प्लास्टिक खरीदा ना वो भी तुम्हारा कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि उससे चेयर तो बनेंगी, उसी से तो स्टॉक इन ट्रेड बनेगा। कंज्यूमेबल स्टोर, सर चेयर को बनाने के बाद ना कुछ नट लगाने पड़ते हैं चेयर के अंदर, वो चेयर जो है फोल्डिंग वाली है तो उसके अंदर नट बोल्ट होते हैं, तो वो नट्स जो होते हैं ना नट बोल्ट, वो हम बनाते नहीं है, मार्केट से खरीद कर एज इट इज चेयर में लगा देते हैं और फिर बेच देते हैं चेयर को। तो सर वो नट एंड बोल्ट जो है वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, लेकिन स्टॉक को पूरा तरह बेचने के लिए वो काम आता है, वो उसके अंदर फिटिंग करने के काम आता है, उसे हम कंज्यूमेबल स्टोर बोल देते हैं, उसे हम कंज्यूमेबल स्टोर बोल देते हैं। तो सर स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर, तीनों के लिए बोल दिया इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। मतलब अगर आप इसको बेचोगे तो नो कैपिटल गेन विल अराइज, नो कैपिटल गेन विल अराइज। बट हम आपको बता दें इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, लगेगा सर। द सेल ऑफ अबव आइटम शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। तो सर आपको कैपिटल गेन के चैप्टर से बाहर कर दिया, लेकिन पीजीबीपी के चैप्टर में ले आए। सर बताइए सर, आपको पहली एडजस्टमेंट क्लियर होगी? कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती, क्लियर होगी? सर चार बतानी है सर मेरे को, मेरे को चार एसेट बतानी है जो कैपिटल एसेट नहीं होती। प्लीज टेल मी द फर्स्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर विच इज नॉट ए कैपिटल एसेट। यस सर, क्लियर आपको? सर दूसरी आइटम पे आइए, सर दूसरी आइटम है पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, नॉट साइड इफेक्ट, नॉट स्पेशल इफेक्ट। वो स्पाइडरमैन वाले स्पेशल इफेक्ट नहीं है और दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट। ओहो, कई लोग कहते हैं अच्छा पर्सनल एसेट कह रहे हो, मैंने कहा मैंने कब बोला पर्सनल एसेट, मैंने तो पर्सनल इफेक्ट बोला है। सर एक ही बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल इफेक्ट अलग चीज है, पर्सनल एसेट अलग चीज है, पर्सनल एसेट अलग चीज है। ओके, पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, मूवेबल का मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इंक्लूडिंग वियरिंग एप्रल जैसे कपड़े, एंड फर्नीचर जैसे फर्नीचर, ये सब मूवेबल होता है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम, दैट इज नोन एज पर्सनल इफेक्ट। सर मैं आपको बताता हूं क्या होता है, आइए इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी आपको। सर इसमें क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? सर सर पर्सनल इफेक्ट होता है मूवेबल होना प्लस उसका पर्सनल यूज भी होना, दोनों बातें होनी चाहिए सर, दोनों बातें होनी चाहिए। सर अगर दोनों बातें हो गई तो क्या होगा? सर फिर नॉट ए कैपिटल एसेट। सर नॉट ए कैपिटल एसेट क्यों है? अरे ये उसी लिस्ट में तो है जो नॉट ए कैपिटल एसेट है, लिखा तो था मैंने नॉट ए कैपिटल एसेट, वहां चार आइटम है उसी में से दूसरी तो है। तो अगर कोई मूवेबल एसेट है जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो वो कैपिटल एसेट नहीं है और उस पर नो कैपिटल गेन विल अराइज, उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। स्टूडेंट कहता सर एग्जांपल दो, मैंने कहा एग्जांपल के लिए जैसे आप मान लो आपकी कोई पर्सनल मोटर कार है, मेरे पास एक मोटर कार है जो मैं मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड के साथ घूमने के लिए यूज करता हूं, तो बस वो मेरी मोटर कार पर्सनल है, मैं अगर उसे बेचूंगा तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोटर कार मूवेबल भी होती है और पर्सनल यूज भी होती है। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल लूं तो वियरिंग एप्रल, वो तो उसमें लिखा भी हुआ था वियरिंग अपैरल। सर वियरिंग अपैरल होता है कपड़े। सर जैसे मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट को अगर मैं बेचता हूं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। सर स्टूडेंट कहता है ठीक है सर, अब ये बताओ अगर आप पर्सनल इफेक्ट यानी जो आप बता रहे हो इसको ट्रांसफर करते हो, इसको ट्रांसफर करते हो तो आप बोलते हो कैपिटल गेन नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं कौन सा चैप्टर लगेगा, तो क्या अब ये पीजीबी में आएगा या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, किस चैप्टर में टैक्सेबल होगा? जवाब है नॉट टैक्सेबल एट ऑल। सर ये पूरे इनकम टैक्स में टैक्सेबल ही नहीं होगा, पूरे इनकम टैक्स में टैक्सेबल ही नहीं होगा अगर आपका पर्सनल इफेक्ट है और आप उसे ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर करते हो तो कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई और चैप्टर नहीं, टैक्सेबल नहीं। सर स्टूडेंट कहता है कमाल,
क्या इनकम टैक्स वाले इतने अच्छे हैं कि वो किसी एसेट को बेचने पर टैक्सेबल नहीं कर रहे? मैंने कहा इसका जवाब है, इनकम टैक्स वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब अगर मेरी वीडियो इनकम टैक्स वाले देख रहे हो, ऐसा होता है हमारी कई वीडियो इनकम टैक्स के जो होते हैं वो भी लोग परचेज करते हैं, तो कभी कभी उनके फोन भी आए थे, यार तुम क्या बोलते रहते हो भाई, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये सारी एग्जाम्पल स्टूडेंट को सिर्फ एंटरटेन और समझाने के लिए है, नथिंग एल्स। सिर्फ इनकम टैक्स वाले कहते हैं देखो इसे टैक्सेबल ना करने का एक रीजन है। हमने कहा बताऊं? बोले सर आपके पास एक मोटर कार है। मैंने कहा है मोटर कार है। बोले सर कितने में खरीदी थी? मैंने कहा सर मेरे पास जो मोटर कार है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 लाख में खरीदी थी। बोले ठीक है, कितने साल से यूज कर रहे हो? मैं कहा पर्सनल यूज कर रहा हूं 2-3 साल हो गए। बोले आप सेल करो इसको? मैं कहा हाँ सेल करूंगा। सर बताओ कितने में बिकेगी? सर ये बिक जाएगी राउंड राउंड 6 लाख की, 7 लाख की, 5 लाख की। तो सर प्रॉफिट आया कहां? प्रॉफिट आया कहां? यहां तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट आया कहां? सर जब भी आप मूवेबल प्लस पर्सनल यूज एसेट को बेचोगे तो प्रॉफिट आएगा कैसे? लॉस ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, कपड़े, टी शर्ट। आपने 1000 रुपए की टी शर्ट खरीदी, 1.5-2 साल पहन ली, अब आप बेचना चाह रहे हो, आपको लगता है मतलब 1000 से ऊपर बिक जाएगी, आपको गेन हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो सर, प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इनकम टैक्स ने कहा अगर हम कह देते कि ये टैक्सेबल होगा तो लोग लॉस ले आते और वो लॉस को सेट ऑफ करते, दूसरी इनकम में से माइनस करते, बल्कि हमारा ही लॉस हो जाता। इसलिए हमने बोला कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। जब हम बात ही नहीं करेंगे तो हमें मत बताओ कि पर्सनल इफेक्ट को बेचने पर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ना हम टैक्स मांग रहे हैं, ना हम कोई सेट ऑफ देंगे, ना हम कोई कैरी फॉरवर्ड देंगे। प्लीज ऐसी एसेट के बारे में हमें बताओ ही मत, ऐसी एसेट के बारे में हमें बताओ ही मत कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। सही है? मैंने कहा सर लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले सर जैसे मैंने कहा, जैसे अभी विराट कोहली है, अभी आजकल विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो अपनी टी शर्ट बेचता है, वो अपनी एक टी शर्ट बेचता है, अगर वो नॉर्मल टी शर्ट पहन रखी है, उसने मॉल में गया है, उसने टी शर्ट पहन रखी है, पीछे उसने विराट लिखवा रखा है, और वो टी शर्ट निकाल के बोलता है मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो हो सकता है वो 10 लाख की भी बिक जाए। वहां पे कोई रिच पर्सन विराट कोहली की पहनी हुई टी शर्ट 10 लाख में भी खरीद ले। मैं सर उसको तो गेन हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। मैं सर उसको तो आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाओगे, क्योंकि वो तो बोलेगा कि पर्सनल इफेक्ट है, क्योंकि टी शर्ट मूवेबल है और मेरी पर्सनल यूज है, मैं बेच रहा हूं, मुझे कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा। बोले हाँ नहीं लगाएंगे। मैं सर ये तो पार्शियलिटी होगी, हम अपनी टी शर्ट बेचे तो साला गेन ही नहीं आएगा। अभी कई बच्चे बोलते हैं साला बोल दिया आपने, तो मैंने कहा भाई साला गाली थोड़ी होती है, साला तो साला होता है। बीवी के भाई को साला बोलते हैं, इसे गाली थोड़ी बोलते हैं। अगर हम लोग बेचेंगे तो गेन ही नहीं आएगा, हम लोग बेचेंगे तो गेन ही नहीं आएगा, विराट कोहली बेचेगा तो पता नहीं कितने लाखों का गेन आएगा। सर ये तो पार्शियलिटी होगी। इनकम टैक्स ने कहा कोई पार्शियलिटी नहीं हुई, कोई पार्शियलिटी नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्यों ना लूं सर, पार्शियलिटी है? बोले बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो जब भी अपनी कोई पर्सनल एसेट सेल करते हैं दे डू इट फॉर चैरिटी पर्पस। मैंने कहा लेकिन कल को अगर उन्होंने चैरिटी के लिए ना करकर पर्सनल पर्पस के लिए सेल कर दी तो? बोले फिर हम लिख देंगे नीचे कि द अबव सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेलिब्रिटी। अभी तो है ना, अभी चलने दो। ओके, तो तब जाकर मुझे शांति मिलेगी, बात क्लियर होनी चाहिए भाई। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके सर, एक स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ, ये पर्सनल इफेक्ट जो होता है ये पर्सनल एसेट ही तो हुआ, ये एक तरह से पर्सनल एसेट ही तो हुआ। पर्सनल एसेट क्या होता है? वो भी तो यही होता है कि मूवेबल प्लस यूज करने के लिए पर्सनल यूज। मैंने बोला गलत जवाब, दोनों सेम नहीं है सर। पर्सनल एसेट वो होती है जो पर्सनल यूज के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो मूवेबल हो और चाहे वो इमूवेबल हो, वो दोनों केस में पर्सनल एसेट होती है। लेकिन पर्सनल इफेक्ट वो होती है जो सिर्फ मूवेबल है। पर्सनल तो है, पर्सनल यूज तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मूवेबल है तभी तभी वो पर्सनल इफेक्ट है। अगर इमूवेबल है तो वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है और फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मेरे पास मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, मेरे रहने के लिए है, तो मेरी पर्सनल एसेट हुई, पर्सनल एसेट हुई, लेकिन ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है क्योंकि घर मूवेबल नहीं होता। ये मेरी पर्सनल इफेक्ट नहीं है, पर्सनल एसेट है। अगर मैं इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन आ जाएगा सर, अगर मैं इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन आ जाएगा, बिकॉज ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है।
बिकॉज ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये पर्सनल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट नहीं है. प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर. ओके, मैंने कहा इनकम टैक्स को, सर मैंने सारा पॉइंट समझ लिया, आप मुझे ये बताओ, मैं कुछ लिखता हूं आप बता देना मैं सही सोच रहा हूं ना. बोले हाँ हाँ बोलो. मैंने कहा सर आप ये कह रहे हो कि अगर कोई पर्सनल इफेक्ट हो तो वो नॉट अ कैपिटल एसेट है. मैंने इनकम टैक्स कहा बिल्कुल सही, हम भी यही कह रहे हैं, नॉट अ कैपिटल एसेट. मैं कहा और उसे बेचने पर नो कैपिटल गेन. बोले बिल्कुल सही. मैं कहा इवन नॉट टैक्सेबल एट ऑल. बोले बिल्कुल सही. क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो. और मैंने कहा सर देखो पर्सनल इफेक्ट का आपके अकॉर्डिंग मीनिंग है मूवेबल प्लस पर्सनल यूज. बोले बिल्कुल सही है. मैंने कहा और इसका लॉजिक आपने ये दिया क्योंकि इस पर गेन आता ही नहीं. मैं क्या आएगा तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे. बोले बिल्कुल नहीं, ये माफ है, मतलब माफ है, जा बेटा ऐश कर. मैंने कहा सर देख लो अपनी बात से मुकर मत जाना. बोले नहीं नहीं हम इनकम टैक्स वाले हैं, हम अपनी बात से मुकरते नहीं है. मैं सोच लो. बोले सोच लिया. फिर सोच लो. बोले फिर सोच लिया. मैंने एक बार फिर सोच लो. बोले सोच लिया. मैंने कहा मेरे पास है ऐसी एक एसेट, मेरे पास है ऐसी एक एसेट जो मूवेबल है और जो पर्सनल यूज भी है, और मैं बेचूंगा तो गेन भी आएगा, टैक्स मत लगा देना. बोले भाई नहीं लगाएंगे, तू बता ना कौन सी एसेट है. मैंने कहा मेरे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी है, मेरे घर में ज्वेलरी है. मैं ज्वेलरी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं कर रहा हूं जो दुकान में ज्वेलरी रखी होती है. भाई मेरी बीवी के पास ज्वेलरी है, 10 लाख की ज्वेलरी है. मेरी मदर के पास ज्वेलरी है, मेरे पास ज्वेलरी है, रिंग है, चेन है, ब्रेसलेट है, वो ज्वेलरी है जो मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी. सर देखो ज्वेलरी मूवेबल है या नहीं है. सर मूवेबल है, इधर से उधर ले जा सकते हैं. सर पर्सनल यूज है या नहीं है. सर बिल्कुल पर्सनल यूज है, ये तो मैं पहनता हूं, मेरी बीवी पहनती है, वो मदर पहनती है, पर्सनल यूज है. सर मूवेबल है ज्वेलरी, पर्सनल यूज है. सर ये पर्सनल इफेक्ट हो गया, सर ये पर्सनल इफेक्ट हो गया, ये नॉट ए कैपिटल एसेट है. अब इस पर कैपिटल गेन मत लगा देना, अब इस पर कैपिटल गेन मत लगा देना. इनकम टैक्स ने कहा अरे यार इस पे तो गेन आएगा. बोले इस पे तो गेन आएगा, ये ज्वेलरी तूने खरीदी होगी 5,000 रुपए तोला में, और आज इसका रेट हो गया 32,000 रुपए तोला. अरे अरे इस पे तो गेन आएगा. मैंने कहा सर देखो आपने कहा था गेन आए लॉस आए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. अब बोले नहीं 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 एक्चुअली ना हम वो बात कहना भूल गए थे. क्या भूल गए थे? बोले यही कि पर्सनल इफेक्ट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, और पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है मूवेबल प्लस पर्सनल यूज. बट एक्सेप्शन है, थोड़ी सी एक्सेप्शन है जहां पर हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, और उसमें पहली एक्सेप्शन है ज्वेलरी इज नॉट ए पर्सनल इफेक्ट. इवन इफ इट इज ए मूवेबल एज वेल एज पर्सनल यूज, इट इज नॉट ए पर्सनल इफेक्ट. हम बता दें आपको ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं. मैंने कहा सर देखो गलत बात है, अब गलत बात है. बोले यार अब क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है. हां जी, तो पर्सनल इफेक्ट का मतलब है मूवेबल held for personal use. However, the following asset, sir, ये exception है, ये exception है sir, जो मैं लिख रहा हूं. However, the following asset shall not be treated as personal effect. Sir, जो नीचे लिखी asset है वो personal effect नहीं मानी जाएंगी. Though these are movable as well as personal use, क्योंकि इनपे gain आता है इसलिए नहीं मानी जाएंगी. सर इनमें नाम है ज्वेलरी, पहला नाम है ज्वेलरी. सर ज्वेलरी एक चाहे मूवेबल है चाहे पर्सनल यूज है, ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है बिकॉज ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो आपके पास कलेक्शन होती है, स्टैंप कई लोग कलेक्शन के रूप में रखते हैं, पुराने सिक्के होते हैं वो होते हैं, ड्रॉइंग्स महंगी बिकती है, पेंटिंग MF हुसैन की पेंटिंग है तो वो महंगी बिक सकती है, स्कल्पचर्स और ये जो है मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाते हैं, एनी अदर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्ट से रिलेटेड गुड्स, तो ये सब जो है ना दीज आर कैपिटल गुड्स, दीज आर कैपिटल गुड्स, सॉरी कैपिटल एसेट्स, दीज आर कैपिटल एसेट्स एंड ऑन ट्रांसफर देयर विल बी ऑन ट्रांसफर there will be capital gain and on transfer there will be capital gain and liable to capital gain tax. तो सर टैक्स लगेगा इसके ऊपर, कोई इश्यू नहीं है.
लिखा भी हुआ सर, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी काइंड। ये डायग्राम है पूरी, एक्सेप्ट का मतलब है दीज फोर आर नॉट ए कैपिटल एसेट, एक्सेप्ट का मतलब है नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। सर इसमें हमने अभी दो ही किए, एक ये वाली एक्सेप्शन की है और एक ये वाली एक्सेप्शन की है, ये दो अभी रहती है, इसको बाद में पढ़ेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर एंड रॉ मटेरियल, दीज आर नॉट ए कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल एंड पर्सनल यूज आर नॉट ए कैपिटल एसेट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है ये जो है ये पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड है, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड है, और पर्सनल की डेफिनेशन से ये नीचे लिखे एक्सक्लूड है, और एक्सक्लूड का एक्सक्लूड है, इसका मतलब ये जो है ना ये आइटम्स ये एक्सक्लूड के एक्सक्लूड है। देखो ये एक्सक्लूड, ये आगे उसका एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड का एक्सक्लूड होता है इंक्लूड, एक्सक्लूड का एक्सक्लूड होता है इंक्लूड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एक्सक्लूड का एक्सक्लूड इंक्लूड। तो ये जो है ना लास्ट वाला एक्सक्लूड, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में है इंक्लूड। तो क्या क्या इंक्लूड है, ज्वेलरी इंक्लूड है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन इंक्लूड है, ड्रॉइंग्स इंक्लूड है, पेंटिंग्स इंक्लूड है, स्कल्पचर्स इंक्लूड है, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इंक्लूड है। सर दीज आर कैपिटल एसेट एंड ऑन ट्रांसफर इट इज लाइबल टू कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल एसेट है और इनके ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये कैपिटल ये कैपिटल एसेट है और इनके ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। प्लीज टेल मी सर, आपको दो एंट्री क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो कैपिटल एसेट नहीं है? एक आपको मैंने बता दिया स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल स्टोर, और दूसरा मैंने आपको बता दिया पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। ओके सर, ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट। यस सर, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है, इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है रूरल, क्या नाम है बेटा, रूरल, रूरल लैंड इन इंडिया विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ओके, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सर ईमानदारी देता हूं, चार कंडीशन है, रूरल होनी चाहिए, रूरल होनी चाहिए पहली कंडीशन, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस, रूरल लैंड, ऐसे लिख लेते हैं, तीन कंडीशन कर देते हैं, रूरल लैंड होनी चाहिए एक कंडीशन, रूरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए दो कंडीशन, और इन इंडिया में होनी चाहिए तीन कंडीशन, तीन कंडीशन। सर अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होती है, लैंड रूरल है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है, इन इंडिया में है, सर लॉ कहता है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट नहीं है सर, नॉट अ कैपिटल एसेट का मतलब है नो कैपिटल गेन। मेरा क्वेश्चन आता है सर इस चैप्टर में नहीं है या टैक्सेबल ही नहीं है, बोले नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये भी आपका एट ऑल टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये भी आपका टैक्सेबल है ही नहीं, नॉट ए कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है, नो कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये टैक्सेबल ही नहीं है सर, ये टैक्सेबल ही नहीं है। बोलो प्लीज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रूरल लैंड होनी चाहिए, रूरल लैंड का मतलब होता है लैंड जो है वो इन रूरल एरिया में होनी चाहिए, लैंड जो है वो इन रूरल एरिया में होनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब होता है लैंड अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए, इसका दूसरा मतलब होता है लैंड अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए। सही है सर। सर एग्जांपल ऐसा एक क्वेश्चन आता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। सर बोलो, सर आंसर है इट इज अ कैपिटल एसेट, इट इज अ कैपिटल एसेट, और इसके ऊपर सर कैपिटल गेन लगेगा,
इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। क्लियर हो पॉइंट सर? ओके, तो सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। लैंड रूरल एरिया में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए, इन इंडिया होनी चाहिए। सर एग्रीकल्चरल तो मुझे समझ में आता है, खेती बाड़ी के लिए होनी चाहिए, खेती बाड़ी के लिए होनी चाहिए, ये तो मुझे समझ में आता है। रूरल का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय रूरल? रूरल का मतलब क्या होता है सर? जवाब आता है बच्चों का सर, जो गांव में। अभी क्या ना कि मैं फेस टू फेस 15 साल से पढ़ाता रहा हूं और अभी भी मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं, साथ साथ मैं लास्ट 15 ईयर से फेस टू फेस पढ़ाता हूं। मुझे पता है स्टूडेंट के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की। लेकिन मैं क्या करता हूं ना कि जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछते रहे इन 15 सालों में, मैंने उन क्वेश्चनों को जाने नहीं दिया। मैंने उन क्वेश्चनों की रिप्लाई करने के बाद उन क्वेश्चंस को एक नया क्वेश्चन बनाकर अपने अगले बैच में बच्चों से ही पूछ लेता था। तो बच्चों के पास क्वेश्चन घटते गए, क्योंकि वो जो उनके क्वेश्चन थे वो मैं खुद ही क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूं। धीरे धीरे ऐसा टाइम आया अब बच्चों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन नया आ जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का एंड नहीं है, स्टूडेंट नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये मानो आपको 99% आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो आपके माइंड में नए क्वेश्चन नहीं आएगा वो मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बनेगा, पेपर में तो सॉल्व हो ही जाएगा, नए क्वेश्चन मेरे से पढ़ते हो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चनों के जवाब तो मैं खुद ही क्वेश्चन बना के दे रहा हूं सर। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको लगता है मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ और जो मुझे नहीं बताना हुआ, मुझे पता नहीं था कि मुझे बताना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, तो अगले बैच में मैं उस क्वेश्चन को भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा अपने स्टडी के अंदर, अपने स्टडी टीचिंग स्टाइल के अंदर। फिर वो क्वेश्चन भी नए स्टूडेंट से नहीं आएगा। तो यही मेरा स्टाइल है सर, किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन को बेकार नहीं जाने देता, मैं मेरा क्वेश्चन बना लेता हूं, क्वेश्चन स्टूडेंट के लेकिन बाद में बनते मेरे हैं। हां जी सर, रूरल का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न है, रूरल का मतलब क्या होता है सर? जवाब है, रूरल का मतलब गांव। गांव का मतलब क्या होता है फिर ये बता दो। गांव का मतलब गांव होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूं सर, मैं ना पंजाब से बिलोंग करता हूं, ठीक है? बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम पंजाब। मैं दिल्ली में रहता हूं पिछले 15 साल से, आई एम इन दिल्ली अप्रोक्सीमेटली। बट मैं ना पिछले 15 साल से दिल्ली में हूं, लेकिन उससे पहले मैं पंजाब में था। पंजाब में क्या ना एक सिटी है मलोट, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो मैं ना मलोट गया बड़े सालों के बाद। अभी क्या ना मैं दिल्ली रहने लग गया, तब दिल्ली वालों को तो फिर दिल्ली की हवा लग जाती है। मैं मलोट गया, मैंने कहा क्या यार, क्या क्या शहर है, मिट्टी मिट्टी जहां देखो, अरे यार क्या भैंसे, कैटल्स, भैंसे खड़ी है गलियों में, ये कोई यार ये कोई सिटी है, गांव है, गांव गांव, अरे दिल्ली यार, तेरे को दिखाते हैं दिल्ली के नजारे, कभी दिल्ली यार मस्त, क्या जबरदस्त चीजें बनी हुई है दिल्ली में, तुम्हारे यहां क्या मलोट के अंदर गांव है, एक गांव। मेरे फ्रेंड्स को बड़ा हर्ट हुआ, यार कल तक तू यहीं खेला था, यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ है, आज तेरे को ये गांव लगता है, हैं? आज तेरे को दिल्ली बड़ी चीज लगने लग गई। गलत बात है, बट मुझे हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हर्ट करने वाले को हर्ट नहीं होता। फिल्मी डायलॉग थोड़ी है, हर्ट करने वाले को भी हर्ट होता है, नहीं होता, मुझे हर्ट नहीं हुआ। मैं आ गया वापस दिल्ली, मैंने क्या यार गांव था, वहां क्या है, कुछ नहीं है, हाँ दोस्त है वो अलग है, बाकी तो गांव है। अभी मेरा दिल्ली में एक फ्रेंड है, स्टूडेंट भी है वो, फ्रेंड भी है, स्टूडेंट कम फ्रेंड, तो वो ना उसकी होगी ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग। अब वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां जॉब कर रहा है, तो कोई मतलब काफी टाइम के बाद वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया और बोला कि सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास ही रुकूंगा 2 दिन। मैंने कहा हाँ आ जा यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो आ गया ऑस्ट्रेलिया से। जब वो आया तो मैं उससे बोला चल घूम के आते हैं। मतलब क्या सर दिल्ली, क्या गंदा ट्रैफिक ही ट्रैफिक, धुआं ही धुआं, क्या सिटी है सर, कैसे? अरे सर ऑस्ट्रेलिया हो, क्या रोड्स, क्या मजेदार कंट्री, आहा हा ऑस्ट्रेलिया। सर मुझे वो जो हर्ट मैं करके आया था ना, वो मुझे भी हो गया और मुझे समझ में भी आ गया मुझसे गलती क्या हो गई। सर सोचो, मेरी नजर में मलोट गांव है, ऑस्ट्रेलिया वाले की नजर में दिल्ली गांव है, तो गांव है क्या? तो फिर गांव है क्या? पॉइंट ये है कि कौन सा एरिया गांव माने। लोगों ने कहा क्यों लड़ रहे हो, हम बताएंगे ना रूरल क्या होता है, हम बताएंगे रूरल क्या होता है, पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि अगर यहां तक ये है वो है तो इसे रूरल कहते हैं। ओके सर काम खत्म। तो रूरल कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। आइए बताता हूं लॉ ने रूरल कैसे डिसाइड किया है। आइए
एक काम करता हूं, मैं आपको ना पीपीटी पे लेके चलता हूं, पीपीटी से कराता हूं। यहां पे क्या होगा ना, अब पूरा ये सब मैं वो करवा चुका हूं अच्छे से, तो सीधा पीपीटी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस, यहां से स्टार्ट करते हैं। रुको 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 रुको, ओके हाँ जी, तो हम पीपीटी से स्टार्ट करेंगे। यस, सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, लैंड मस्ट नॉट बी इन अर्बन एरिया। तो लैंड रूरल एरिया में होनी चाहिए, यानी कि अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए। सर मजे की बात हूं, इनकम टैक्स में ना रूरल नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। मैं कहां से बताऊं रूरल क्या होता है। इनकम टैक्स ने ना अर्बन डिफाइंड किया है, अर्बन एरिया क्या होता है हमने ये डिफाइन किया। तो सर मैं आपको अर्बन एरिया बता दूंगा, मैं आपको अर्बन बता दूंगा और आप उस अर्बन एरिया से रूरल समझ लेना। मैं आपको अर्बन बताऊंगा, आप उससे रूरल बना लेना, उसमें क्या बात है। जो अर्बन नहीं है वो रूरल है, इसमें क्या बात है। तो एक तो लैंड अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए, यूज एग्रीकल्चर होनी चाहिए, इन इंडिया होनी चाहिए, देन इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, राइट। आ जाओ, अर्बन लैंड कौन सी होती है। लैंड विच इफ इट इज सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। सर देखो, अगर मैं दिल्ली की बात करूं ना, दिल्ली में एमसीडी है, ठीक है, मान लो दिल्ली में एमसीडी है, दिल्ली है, मान लो दिल्ली है, लैंड आपकी यहां आती है, ये लैंड आपकी है और ये पूरा एमसीडी का एरिया है, पूरा एमसीडी का एरिया, दिल्ली एमसीडी का एरिया है। आप बताओ लैंड जो है इस वक्त जो लैंड है, ये लैंड जो है ये विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है या नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है कि ये जो लैंड है, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का नंबर क्या है, ये जरूर एमसीडी में रजिस्टर्ड होगा। अरे अगर वो लैंड एमसीडी के एरिया में आती है तो एमसीडी में उसका नंबर होगा कि क्या नंबर का प्लॉट है ये। तो सर अगर आपकी लैंड एमसीडी की ज्यूरिसडिक्शन में आती है, इफ इट इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इफ इट इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन शुड नॉट बी लेस देन 10,000, और उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो 10,000 से कम नहीं है। पॉपुलेशन कम से कम 10,000 है, कम से कम 10,000 है, 10,000 से कम नहीं है, 10,000 से कम नहीं है, तो ऐसी लैंड को कहते हैं अर्बन लैंड, ऐसी लैंड को कहते हैं अर्बन लैंड। सर अगर मैं इसी को दूसरे भाषा में बोलूं कि अगर लैंड विद इन द लिमिट तो है, विद इन द लिमिट तो है, लेकिन 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 जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है अगर वो लेस देन 10,000 है, तो ऐसी लैंड को हम बोलेंगे रूरल लैंड, ऐसी लैंड को हम बोलेंगे रूरल लैंड। सर पहला केस मैंने वो करवा दिया, अर्बन लैंड अगर सिचुएट, अगर कोई लैंड एमसीडी के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, अगर कोई लैंड एमसीडी के ज्यूरिसडिक्शन में आती है और पॉपुलेशन जो है उस एमसीडी की, पॉपुलेशन किसकी, एमसीडी की, एमसीडी की जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 10,000 नहीं है, तो वो अर्बन है, तो वो अर्बन है, और अगर वो 10,000 से कम है तो वो रूरल है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। दूसरा सुनो जो आपके माइंड में है कि अगर पॉपुलेशन, अगर लैंड सिचुएटेड है आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी तो क्या, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी तो क्या, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये दिल्ली की एमसीडी है, यहां दिल्ली की एमसीडी की सीमा लगती है, यहां दिल्ली खत्म हो गया, यहां दिल्ली खत्म हो गया, ये एमसीडी की लिमिट यहां तक है, आपकी लैंड यहां पे है, आपकी लैंड यहां है। सर मेरा क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी द लैंड इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। सर आपका जवाब आएगा कि ये लैंड जो है म्युनिसिपैलिटी की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, ये जो लैंड है ये म्युनिसिपैलिटी की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, और ये जवाब बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है। सर ये एमसीडी की लिमिट है,
ये सर एमसीडी की लिमिट है और ये लैंड है और ये एमसीडी की लिमिट से बाहर है, ये एमसीडी की लिमिट से बाहर है। अब ये लैंड अर्बन है या रूरल है, ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है। सर इसका जवाब बहुत ही टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके समझाऊंगा। लो कहता है अगर इस एमसीडी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अगर इस एमसीडी की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, ठीक है, बट डज नॉट एक्सीड, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1,00,000 है। मतलब कहने का मतलब है एमसीडी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, 10,000 से ज्यादा है, लेकिन 1,00,000 से ज्यादा नहीं है, 1,00,000 से ज्यादा नहीं है। तो सर लो कहता है 2 किलोमीटर तक अगर ये है तो ये अर्बन है, 2 किलोमीटर तक अर्बन है, 2 किलोमीटर तक अर्बन है। और अगर ये लैंड एमसीडी की लिमिट से 2 किलोमीटर से ज्यादा है दूर, तो ये रूरल है, तो ये रूरल है। सर मैं समझाऊं आपको, सर क्वेश्चन आएगा कि एमसीडी की लिमिट जो है, एमसीडी की पॉपुलेशन की जो लिमिट है, पॉपुलेशन की लिमिट जो है वो है 70,000 लोग है, 70,000 लोग है, और जो लैंड है वो आउटसाइड द लिमिट है, आउटसाइड द लिमिट है, और ये आउटसाइड द लिमिट जो है वो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। सर आप जवाब देंगे ये लैंड रूरल लैंड है, ये लैंड रूरल है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन 1,00,000 तक है, अगर पॉपुलेशन 1,00,000 तक है 10,000 से ऊपर, अगर 10 से कम है फिर तो रूरल है ही है, अगर 10,000 से भी कम है फिर तो रूरल है ही है, या 10,000 है तो भी रूरल है। अगर 10,000 से एक्सीड करता है और पॉपुलेशन 1,00,000 से एक्सीड नहीं करता है, यानी कि 70,000, तो 2 किलोमीटर तक अर्बन है। अगर यही क्वेश्चन होता कि व्हाट अबाउट द 1.5 किलोमीटर, तो आप इसे अर्बन कहते, और अगर यही 3 किलोमीटर है तो रूरल कहेंगे, 2 किलोमीटर है तो भी अर्बन कहेंगे, 2.1 किलोमीटर है तो हम रूरल कहेंगे। सर बोलो इसका मतलब जो जिस केस में जब 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 लैंड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन होती है तो पॉपुलेशन भी मैटर करती है और किलोमीटर भी मैटर करते हैं, पॉपुलेशन भी मैटर करती है किलो, और जब लैंड विद इन द जुरिस्डिक्शन होती है तो किलोमीटर मैटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो विद इन द जुरिस्डिक्शन है, खाली पॉपुलेशन ही मैटर करेगी, और वो है अगर 10,000 से कम है तो रूरल है, और 10,000 या उससे ज्यादा है तो अर्बन है, तो अर्बन है। आई होप आपको क्लियर हो गया। सर अगर पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा है, लेकिन 10,00,000 से ज्यादा नहीं है, तो सर 6 किलोमीटर तक को अर्बन माना गया है। 1,00,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10,00,000 तक है तो 6 किलोमीटर, और सर अगर पॉपुलेशन 10,00,000 से भी ज्यादा है, जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए, बड़े बड़े शहर हो गए, जयपुर और ये वो सब, अगर 10,00,000 से भी पॉपुलेशन ज्यादा है तो सर 8 किलोमीटर तक दूर लैंड को भी अर्बन कहा जाएगा। और पॉपुलेशन कितनी भी क्यों ना हो, अगर लैंड एमसीडी की लिमिट से 8 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है तो वो रूरल है ही है, तो वो रूरल है ही है। सर बियॉन्ड 8 किलोमीटर, लैंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी लिमिट इज ऑलवेज अ रूरल लैंड, व्हाटएवर द पॉपुलेशन इज। सर क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन सर क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन है 9,00,000 पॉपुलेशन है 9,00,000 और जो किलोमीटर है वो है सर 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, सर आंसर आएगा अर्बन, और यही पॉपुलेशन अगर लैंड किलोमीटर होते 7 तो सर आंसर आता रूरल, आंसर आता रूरल, क्योंकि 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक के बीच में 6 किलोमीटर, 1,00,000 से 10,00,000 मतलब 9,00,000, 10,00,000 के बीच में 6 किलोमीटर तक अर्बन है, 6 से ज्यादा रूरल है, 6 से ज्यादा रूरल है। सर पॉपुलेशन है 25,00,000, वाओ, लेकिन लैंड है 9 किलोमीटर, सर सोचने की जरूरत ही नहीं है, रूरल ही है, ये अर्बन है ये रूरल है। सर ये रूरल ही है क्योंकि 8 किलोमीटर से बियॉन्ड अगर लैंड है फिर तो रूरल है, सर सोचने वाली बात ही नहीं है। सर लॉजिक समझाऊं, 2, 6, 8 का क्या लॉजिक है, लॉजिक दूं थोड़ा सा, 2, 6, 8 का क्या लॉजिक है। सर लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो सर, एक ऐसी बस्ती, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा टाउन जहां लोग ना 1,00,000 तक लोग हैं, 1,00,000 तक, छोटा सा टाउन है सर, सर नेचुरली बात है जैसे आप टाउन से बाहर निकलेंगे ना सुनसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 लोग हैं तो हो सकता है टाउन से बाहर भी थोड़ी दूर तक लोग बसे हुए हो, तो लोग कहते हैं 2 किलोमीटर तक अर्बन मान लेते हैं। सर 10,00,000 तक की पॉपुलेशन वाला शहर है, सर बड़ा शहर है, ज्यादा सारे लोग हैं, टाउन सिटी से बाहर निकलने के बाद भी
थोड़ी दूर तक लोग बसे होंगे, और 10 लाख वाला है तो थोड़ी और दूर तक बसे होंगे, जाओ 6 किलोमीटर तक अर्बन मान लिया। और अगर सर 10 लाख से भी ऊपर वाली सिटी है तो जाओ 8 किलोमीटर तक अर्बन मान लिया, बस इसके ऊपर आगे हम अर्बन नहीं मानेंगे, ये सारा रूरल मानेंगे। सर किलोमीटर कैसे देखेंगे? सर बाय एरियल देखेंगे, जो बाय एयर स्पेस के थ्रू देखेंगे। ऐसे नहीं कि आप गलियों में घूमते घूमते बोलो अरे ये तो 8 किलोमीटर हो गए, नहीं, वो बाय एयर के थ्रू जो मेजरमेंट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में गूगल से चेक कर लेते हैं ना आप। गूगल से चेक नहीं करते, आप कभी ड्राइव करते हो तो गूगल मैप से देखते हो कितने किलोमीटर है, तो क्या वो गलियों से? नहीं, वो ऊपर से बताता ना ऊपर से, तो बाय एयर स्पेस हम देख लेते हैं कितने किलोमीटर है। हाँ जी सर, तो अर्बन लैंड अगर जुरिस्डिक्शन म्युनिसिपैलिटी के अंदर है तो पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो अर्बन है, 10,000 से कम है तो रूरल है। और अगर पॉपुलेशन, अगर लैंड सिटी से बाहर है, अगर लैंड सिटी से बाहर है, अगर लैंड सिटी से बाहर है तो उस केस में थोड़ा आंसर डिफर हो जाएगा, फिर किलोमीटर और पॉपुलेशन दोनों देखना पड़ेगा। सर अब मेरा एक और क्वेश्चन, अब मेरा बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूं सर मैं, ये तो आपको क्लियर हो गया सारा। सर क्वेश्चन ये है सर, मान लो ये दिल्ली की एमसीडी की लिमिट है, लैंड है सर यहां, सर ये 9 किलोमीटर है। अरे अभी मत बोलो रूरल, सुन तो लो, ये 9 किलोमीटर है सर, ठीक है सर। यहां गुड़गांव है, गुड़गांव है, और सर आप अज्यूम करो मैं जिन भी सिटी के नाम ले रहा हूं सब में पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। सर ये गुड़गांव है, ये यहां से 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर। सर ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद है, यहां से ये 12 किलोमीटर दूर है। सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे मत बोलना कि दिल्ली सर गुड़गांव इधर फरीदाबाद इधर कैसे हो गया, एक्चुअल में तो इधर गुड़गांव है इधर फरीदाबाद है। भाई मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती, मेरे को टैक्स आता है, मैं टैक्स के अकॉर्डिंग बता सकता हूं। सर ये सिटीज है गुड़गांव फरीदाबाद, दिल्ली के नजदीक लगती हुई सिटीज। सर मान लीजिए इधर अपना है नोएडा है, नोएडा सर, नोएडा यहां से है सर, नोएडा यहां से है 16 किलोमीटर। और सर एक है गाजियाबाद, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद, ओके गाजियाबाद यहां से जो है वो 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। पॉपुलेशन गाजियाबाद की भी 10 लाख से ऊपर है, सबकी 10 लाख से ऊपर है। बताइए सर ये लैंड अर्बन लैंड है या रूरल, बताइए सर ये लैंड अर्बन लैंड है या रूरल। सर अगर आप ये कह रहे हो कि ये लैंड गाजियाबाद के लिए अर्बन और बाकियों के लिए रूरल है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं जो सेंट्रल लेवल का टैक्स है, आंसर आएगा या तो ये अर्बन है या ये रूरल है। और सर इसका सही जवाब है दिस लैंड इज अर्बन लैंड, ये अर्बन लैंड है सर, रूरल नहीं है। क्यों सर रूरल कब होती है? सर जब वो 8 किलोमीटर से दूर है सभी म्युनिसिपैलिटी से, कोई भी म्युनिसिपैलिटी उसे टच नहीं करनी चाहिए सर, वो सारी म्युनिसिपैलिटी से अवे होनी चाहिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तभी वो रूरल बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से तो बहुत दूर हो लेकिन गाजियाबाद से जुड़ रहे हो, तो भैया फिर गाजियाबाद के हिसाब से आप अर्बन बन जाओगे, ओवरऑल आप अर्बन बन जाओगे। तो सर एक लैंड अर्बन या रूरल देखने के लिए वो जो हम बोलते हैं 8 किलोमीटर से अवे होनी चाहिए, वो फ्रॉम ऑल द म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, कोई भी म्युनिसिपैलिटी उसे 8 किलोमीटर के अंदर टच नहीं करनी चाहिए। प्लीज टेल मी आपको अर्बन एग्रीकल्चरल सॉरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज क्लियर और नॉट क्लियर? और आंसर है सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट, इज नॉट ए कैपिटल एसेट एंड देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल गेन टैक्स। सर जवाब है, एक क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर में क्यों नहीं, माना कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं आएगा लेकिन किसी भी चैप्टर में नहीं, ऐसा क्यों? सर गवर्नमेंट चाहती है जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट चाहती है जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट मतलब सर, डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि देखो सर अगर कोई लैंड गांव में बार बार खरीदी जाएगी और बेची जाएगी तो वहां अपने आप एक मार्केट लगनी शुरू हो जाएगी, और जब एक मार्केट लगनी शुरू हो जाएगी तो और कई लोग वहां पे आने शुरू हो जाएंगे जो अपना रोजगार करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे वो लैंड वो एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्ट इन रूरल एरियाज एंड अर्न द गेन, कमाओ, हम आपसे कोई टैक्स नहीं देंगे,
हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो हमारा वो जो एरिया है वो ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा. प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर. यस ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड. लिखा हुआ आपके पास, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स स्कीम 1999. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स स्कीम 1999. ओके, ये क्या चीज है? और इसके साथ एक नया नाम और आया, वो बताता हूं क्या है. अभी नया नाम बता दूं पहले क्या है? चलो, यहां से मैंने खाली गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को समझाया है, बता देता हूं क्या आएगा इसके अंदर. ये यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा. हां जी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, लास्ट पॉइंट देखना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इश्यूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सर, अगर आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है, अगर आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं जो इशूड है अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 और आप उन्हें बेचते हो, सर वो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो चार की लिस्ट में है. सिंपल सी बात है, एक लिस्ट बनी हुई है बट डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या था उस लिस्ट में है, और जो लिस्ट में आ गया, चार में आ गया, वो नहीं है. एक लिखा हुआ है सर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं आपके साथ. हाँ जी, यहां पे थे हम लोग. हाँ जी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 और एक और नाम आ गया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मोनेटाइजेशन स्कीम 2015. ठीक है, सिंपल, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल. छोड़ो सर, आप ना पहले ऐसे याद कर लो कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये दोनों जो है, ये नॉट अ कैपिटल एसेट है. नॉट अ कैपिटल एसेट है मतलब, मैं बता दूंगा, नॉट अ कैपिटल एसेट है मतलब देयर विल बी नो कैपिटल गेन. नो कैपिटल गेन, सर आपका क्वेश्चन आएगा, अगर नो कैपिटल गेन है तो क्या ये किसी और चैप्टर में टैक्सेबल है? जवाब है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल. ये किसी भी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं है. नॉट टैक्सेबल एट ऑल, सर ये किसी भी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं है, ये कहीं भी टैक्सेबल नहीं है. ओके, सही है सर, आगे समझ में. अब आ जाओ सर, कहानी बड़ी पुरानी है, मैं आपको सुनाता हूं. बात है उन दिनों की जब यूरोपियन कंट्रीज को गोल्ड की जरूरत थी. यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें गोल्ड की जरूरत थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक डील की. उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, हम आपको लोन देंगे चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. और इंडिया को जैसे पैसों की जरूरत हमेशा रहती है, उसी तरह पैसों की जरूरत थी. उन्होंने लोन लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया, बोले बदले में सिक्योरिटी क्या लोगे? यूरोपियन कंट्रीज ने कहा, आप हमें गोल्ड दे दो, और वो भी प्योर फॉर्म में. प्योर फॉर्म मतलब 24 कैरेट में गोल्ड दे दो आप हमें, और बदले में हमसे लोन ले लो, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. इंडिया को पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इंडिया को पैसों की जरूरत थी, इंडिया को यह सौदा सही लगा. प्रश्न ये था कि अब इंडिया ये गोल्ड लाई कहां से? इंडिया ने अपनी पब्लिक से बात की. इंडिया ने पब्लिक में एक गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नाम का बॉन्ड निकाला. इंडिया गवर्नमेंट ने बोला, देशवासियों सुनो, आप लोग हमें अपना गोल्ड दे दो, आप लोग हमें अपना गोल्ड दे दो, हम उस गोल्ड को प्योर करेंगे आपके सामने, प्योरी फॉर्म में करेंगे. वो एक्चुअल में 24 कैरेट का कितना है वो हम आपको बता देंगे. हम आपको एक बॉन्ड इशू करेंगे जिसमें हम आपके गोल्ड का वेट लिख देंगे, जो भी प्योर फॉर्म में होगा वो आपके गोल्ड का वेट हम उसके अंदर लिख देंगे. जैसे गोल्ड बिस्किट का रेट होता है ना, गोल्ड बिस्किट होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, वैसे ही हम आपको गोल्ड का वेट लिख देंगे. जैसे कोई बंदा 1 किलो का गोल्ड लेके आया है तो उसे 1 किलो लिख देंगे.
हाँ, पर हम आपको बदले में आपसे गोल्ड ले लेंगे, बदले में आपको बॉन्ड देंगे। बॉन्ड मतलब एक पेपर देंगे। बॉन्ड क्या होता है? एक पेपर होता है जिस पर लिखा होगा कि आपने हमें 1 किलो गोल्ड जमा करवाया है। जब तक ये बॉन्ड आपके पास रहेगा, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट, जैसे बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, आपको इस गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा। लोगों ने बोला यार सही है यार, गवर्नमेंट के पास गोल्ड चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब ये बॉन्ड आप हमें वापस करोगे, हम आपको आपका 1 किलो गोल्ड एज इट इज दे देंगे प्योर फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट जो है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम आपको 1 किलो गोल्ड के बदले 1 किलो गोल्ड दे देंगे। रेट का नफा नुकसान आपका, वो तो कोई नफा नुकसान है ही नहीं। हमने आपसे 1 किलो गोल्ड लिया, हमने आपको 1 किलो गोल्ड वापस कर दिया, बात खत्म, बात खत्म। हाँ, जब तक वो गोल्ड हमारे पास रहेगा, हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे, हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। लोगों ने कहा ये सौदा कोई बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लोगों ने कहा ये सौदा कोई बुरा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोगों ने पहला क्वेश्चन पूछा, लोगों ने कहा सर देखो सरकार, सिंपल सी बात है, एक आदमी के बुरे समय में सबसे ज्यादा जो काम आता है वो गोल्ड आता है। इतने काम तो रिश्तेदार भी नहीं आते जितना काम गोल्ड आता है, क्योंकि गोल्ड एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट की तरह एसेट है जिसे कभी भी किसी वक्त भी जल्दी से जल्दी बेचा जा सकता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड बहुत हेल्प करता है। एक बात बताओ, अगर हम आपको गोल्ड दे देंगे तो क्या, अगर हमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ी कभी भी, तो क्या हम ये बॉन्ड आपको वापस करके गोल्ड कभी भी ले सकते हैं? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपको ये गोल्ड 5 साल तक वापस नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक हम आपको गोल्ड वापस नहीं करेंगे, ये भूल जाना। लोगों ने बोला अरे फिर तो हम फंस जाएंगे, अगर इन 5 सालों में अगर कहीं हम फंस गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा बॉन्ड है। बोला बॉन्ड है तो बॉन्ड गोल्ड थोड़ी पेपर है। बोले तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का पेपर है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारा गोल्ड 1 किलो का है। अरे तुम किसी भी सुनार के पास जाओ, उसे बॉन्ड दे दो, एक तरह से तुम उसे 1 किलो गोल्ड दे रहे हो, और ये बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट है सुनार को मिलने लग जाएगा। और जब वो ये बॉन्ड उसको मिल जाएगा, तो कल को जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड वो हमें दे देगा, हमसे 1 किलो सोना ले लेगा। बात तो बराबर है, एक तरह से तुमने बॉन्ड थोड़ी बेचा, सोना ही बेचा। एक तरह से तुमने बॉन्ड थोड़ी बेचा, सोना ही बेचा, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है 1 किलो गोल्ड है तुम्हारा। आदमी ने बोला सही बात है, लोगों ने बोला सही बात है, लेकिन एक दिक्कत है कि सुनार आदमी जो है, वो जो गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, वो ये बॉन्ड लेगा नहीं। वो बोलेगा नहीं भाई साहब, गोल्ड तो गोल्ड होता है, देखो जिस पेपर तो पेपर होता है, ना ना मेरे को नहीं चाहिए, आप तो हमें वो पेपर नहीं सोना दे दो। वो ये बात बोलेगा, पेपर नहीं सोना दे दो, ऐसे बोलेगा। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा हम तुम्हें एक बात बताएं, अगर तू इस गोल्ड को बेचता, अगर इस 1 किलो गोल्ड को तू बेचता तो तेरे को गेन आता? बोला आता। बोला कैपिटल गेन लगता? याद कर, पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से गोल्ड बाहर है, पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से गोल्ड बाहर है। बोला हाँ हाँ, वहां से डेफिनेशन से गोल्ड बाहर है, तो बोला कैपिटल गेन लगता? बोला सर वहां तो कैपिटल गेन लगता, वहां कैपिटल गेन तो लगता। बोला सोच, हम लिख रहे हैं दिस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, जा ये कैपिटल एसेट नहीं है। अगर तू सुनार को कन्विंस कर लेगा कि बॉन्ड ले ले भाई, सुनार सुनार गोल्ड स्मिथ, अगर तू उस गोल्ड स्मिथ को कन्विंस कर लेगा कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, सॉरी ये बॉन्ड ले ले, ये गोल्ड ही है, इसमें 1 किलो लिखा हुआ है, तो सोच वो जो बेचने पर तेरे को गेन हुआ होगा, क्योंकि वो तो तेरे को उस दिन की रेट के हिसाब से पैसे देगा, तो वो जो तेरे को गेन हुआ होगा दैट विल नॉट बी लाइबल टू कैपिटल गेन टैक्स। क्यों? हमारी नजरों में ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। अब लोगों को लगा यार ये तो फायदे का सौदा है, मतलब हम गोल्ड बेचे तो कैपिटल गेन लगता है, और यही बॉन्ड बेच दें तो कैपिटल गेन नहीं लगता है, और साथ में इंटरेस्ट मिलता है। लोग पॉजिटिव सोचने लग गए, जब फायदा होता है लोग पॉजिटिव सोचते हैं, सोचने लगे अरे यार 1 किलो गोल्ड घर में पड़ा था, डर लगता था, अच्छा है सरकार के पास है, सरकार रखवाली कर रही है, लोग बताओ, और साथ में इंटरेस्ट दे रही है, बताओ और क्या चाहिए, बड़ा अच्छा सौदा है। लोग सरकार के पास पहुंचे, बोले सरकार सरकार हमें मंजूर है, हम अपना अपना गोल्ड घर से लेके आने वाले हैं, एक आखिरी क्वेश्चन का सवाल दे दो, एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दो। सरकार ने बोला बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन रह गया तुम्हारा, इतने सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। बोले सरकार ये बताओ, कल को क्या आप हमारी इनकम टैक्स में स्क्रूटनी करवाओगे, ये छानबीन करोगे गोल्ड कहां से आया, पूछोगे गोल्ड कहां से आया? सरकार ने कहा पहला क्वेश्चन ही हमारा ये होगा, गोल्ड का प्रूफ दो, और पिछले 6 सालों की तुम्हारी जो इनकम है ना वो खोल लेंगे, हम सारी असेसमेंट करेंगे, गोल्ड का पूरा प्रूफ चाहिए। सर वो दिन और आज का दिन, एक आदमी ने गोल्ड जमा नहीं करवाया। सर ये स्कीम जो है ना, ये स्कीम फेल हो गई सर,
ये स्कीम पूरी तरह फेल हो गई। सर ये सिर्फ एकेडमिक पॉइंट है, आपको याद करना है सर, इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस जीरो है। तो सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की स्कीम फेल हो गई, पॉपुलरली फेल। इस स्कीम का नाम था पॉपुलरली फेल, पॉपुलर हुई थी लेकिन फेल हो गई। लेकिन फेल हो गई क्योंकि वो लोग आपकी छानबीन करने में इंटरेस्टेड थे, और आप जानते ना इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्लैक मनी दो ही जगह इन्वेस्ट होती है, या तो गोल्ड के अंदर या लैंड के अंदर। लोगों को ये कतई मंजूर नहीं था कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और स्कीम हो गई फेल सर, पूरी तरह फेल हो गई। और सर बाकी आपके सामने है, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए रह गया, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। हाँ पेपर में लिखा आएगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, आप बोलोगे इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, नो कैपिटल गेन, बस नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात और, तो मैंने चारों पॉइंट आपको करवा दिए, मैंने आपको चारों पॉइंट करवा दिए। मैं आपको वापस बुक पे लेके चलता हूं। यहां पर ना मेरे पास एक पॉइंट था रूरल पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में मैं थोड़ा सा पर्सनल इफेक्ट को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, यहां छोटी सी बात मुझे और डिस्कस करनी है। सर यहां एक पॉइंट था पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट में लिखा था मूवेबल प्लस पर्सनल यूज कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर ज्वेलरी वगैरह है तो कैपिटल एसेट है, राइट। सर यहां पर ना कुछ केसेस सामने आए, अब वो केसेस के नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आपको केसेस के नाम रटने नहीं है, मैं केसेस के नाम नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ ना एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। सर एक आदमी ने अपनी शर्ट सेल की, शर्ट सर 35 लाख का फायदा हुआ शर्ट बेचने में। बताओ कोई शर्ट बेच के 35 लाख का फायदा कमा सकता है? ऐसी कौन सी शर्ट थी? गवर्नमेंट भी हैरान रह गई, अरे यार कैपिटल गेन बचा गया बंदा, शर्ट पर तो कैपिटल गेन आएगा नहीं क्योंकि मूवेबल है, पर्सनल यूज है। बोले भाई 35 लाख का प्रॉफिट कैसे हो गया? बोला जी शर्ट के जो बटन थे वो गोल्ड के थे, बटन में डायमंड लगा हुआ था, बटन गोल्ड के थे, बटन में डायमंड लगा हुआ था। सर गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। आपने ज्वेलरी सेल की है? बोला नहीं सर मैंने शर्ट सेल किया। बोले नहीं आपने शर्ट की आड़ में ज्वेलरी सेल की, आपने शर्ट के बहकावा देकर एक्चुअल में ज्वेलरी सेल की है। सर ज्वेलरी सेल की आपने, गलत बात, ये शर्ट सेल नहीं है, ये ज्वेलरी सेल है, हम इसे कैपिटल गेन लगाएंगे। और सर कैपिटल गेन लगा, और ज्वेलरी को डिफाइन किया गया, ज्वेलरी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। सर आपको याद नहीं करनी, मैं बता रहा हूं वैसे। सर ज्वेलरी इंक्लूड एनी ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ब्रेसलेट, चेन, रिंग, नेकलेस एटसेट्रा। ज्वेलरी इंक्लूड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी इंक्लूड एनी आर्टिकल ऑर्नामेंट, सॉरी ज्वेलरी इंक्लूड एनी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ सिल्वर, मेड ऑफ प्लेटिनम और एनी प्रीशियस मेटल। तांबे का नहीं, तांबे की ज्वेलरी पे कोई कैपिटल गेन नहीं है। ज्वेलरी इंक्लूड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ सिल्वर और एनी प्लेटिनम और एनी प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय। अलॉय होता है दो या दो से ज्यादा मिक्स्ड धातु, मिक्स्ड मेटल का कुछ बनता है ना, उसे अलॉय कहते हैं। और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीशियस मेटल और एनी आर्टिकल, और एनी आर्टिकल वेदर वर्कड और स्विन सिला हुआ वर्कड और स्विन इन टू एनी वियरिंग एप्रल। अगर आपने किसी वियरिंग एप्रल में ज्वेलरी को वर्कड किया है या स्विन किया है तो उसे भी ज्वेलरी माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक लेडी ने साड़ी बेची, और साड़ी पहनते ना, लेडी ने साड़ी बेची और उस साड़ी पर उसे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उस साड़ी पे जो जरी का काम होता है, जरी वर्क, जरी मतलब थ्रेड वर्क जो था वो सारा गोल्ड का था और उसमें डायमंड्स लगे हुए थे, तो वो सारा टैक्सेबल हो गया। ज्वेलरी इंक्लूड, फिर दूसरी डेफिनेशन डिफाइन की। एक ज्वेलरी के दो पॉइंट है, वन मैंने बता दिया, ज्वेलरी इंक्लूड एनी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय वेदर कंटेनिंग वन और मोर टू और मोर मेटल, टू और मोर प्रीशियस मेटल और एनी आर्टिकल वेदर फिक्स्ड whether worked or sewn into any wearing apparel. फिर दूसरा था jewelry include stones, stone, diamond आ गया, diamond. Jewelry include stone, whether precious or semi-precious. Jewelry include stone, whether precious or semi-precious, whether fixed into any furniture. चाहे अपने furniture में या furniture made of gold हो गया। जैसे example के लिए
एक आदमी ने कृष्ण जी का झूला, अभी फर्नीचर झूले को तो फर्नीचर ही बोलेंगे, कृष्ण जी का झूला छोटा सा झूला होता है लेकिन वो तो फर्नीचर ही में आएगा, झूला तो फर्नीचर है, तो वो फर्नीचर जो था, वो झूला जो था वो गोल्ड का था, वो बेचा तो कैपिटल गेन लगाया गवर्नमेंट ने। या साईं बाबा की जो कुर्सी थी, साईं बाबा जो जिसपे बैठे थे, वो एक कुर्सी बनवाई गई थी, वो कुर्सी सोने की थी, उसे बेचने पर जो गेन आया वो भी कैपिटल गेन में आएगा सर, वो भी कैपिटल गेन में आएगा। तो सर कृष्ण जी का झूला, साईं बाबा की कुर्सी, ये सब कैपिटल गेन में आएगा सर, ये सब कैपिटल गेन में आएगा सर, क्योंकि ये एक तरह से आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, ये एक तरह से देखा जाए तो आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो सर, आपको इस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर सर। एक और केस आया था, एक महाराजा थे, नाम नहीं मुझे याद, एक महाराजा थे, उन्होंने ना वो चांदी की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी माता के सिक्के, वो सब बेचे, उन पर भी कैपिटल गेन लगाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पर्सनल यूज है, मैं पूजा करता हूं, ये मेरा पर्सनल यूज है। उन्होंने बोला पूजा करना पर्सनल यूज नहीं होता, ये पर्सन से रिलेटेड पर्सनल होता है, पर्सनल यूज का मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो, तो ये पर्सन से रिलेटेड है, पूजा जो है वो पर्सनल यूज नहीं माना जाएगा, सॉरी पर्सनल यूज नहीं माना जाएगा, इस पर हम कैपिटल गेन लगाएंगे। तो देवी देवताओं की मूर्तियां ये सब बेचना भी कैपिटल गेन के अंदर आ गया। एक और केस सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस, एक आदमी ने चांदी के बर्तन बेचे, चांदी के बर्तन कितने, 6 कटोरी, 6 चम्मच, 6 थाली, 6 डोंगे, 6 वो जो बड़े स्पून, और मतलब एक पूरा डिनर सेट था सर, एक पूरा डिनर सेट था, वो उसने सेल किया। और जब कैपिटल गेन लगने लगा तो उसने बोला सर चांदी के बर्तनों को ज्वेलरी ना माना जाए। बोले क्यों ना माना जाए? बोले सर देखो हम हिंदू समाज से हैं और हम लोग ना, हमारे जो पूर्वज थे चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, तो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, ये हमारा बस रिलीजियस है, तो प्लीज ये कोई कैपिटल गेन वाली बात नहीं है, तो हमारे पास होता ही है। इनकम टैक्स ने छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, कह रहे हैं तो छोड़ो, क्या झगड़ा करना इनके साथ। सर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, एक आदमी ने 400 थाली चांदी की बेची, 400 चम्मच चांदी की बेचे, 400 कटोरी चांदी की बेची। इनकम टैक्स ने कहा ये कौन आ गया भाई, इतनी बड़ी फैमिली वाला बुलाओ इसको, तो उसको फिर टैक्स किया, क्योंकि एक रीजनेबल क्वांटिटी तक हम एग्जेम्प्ट करेंगे, एक रीजनेबल क्वांटिटी तक सिल्वर के जो बर्तन है वो नॉट ए कैपिटल एसेट है, नॉट ए कैपिटल एसेट, लेकिन एक रीजनेबल क्वांटिटी से ऊपर जाओगे तो वो कैपिटल एसेट माने जाएंगे। हालांकि रीजनेबल क्वांटिटी कोई डिफाइंड नहीं है, जो असेसिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा फैमिली के मेंबर्स को देखते हुए कि फैमिली में मेंबर कितने हैं, उस मेंबर्स के नंबर से डिसाइड किया जाएगा कि इनको कितना रीजनेबल रहेगा चांदी के बर्तन रखना, उतने माफ किए जाएंगे। सर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक एक फैमिली के लिए ना कम से कम 2 चांदी के बर्तन, जो दो चांदी के डिनर सेट तो अलाउड है, 2 चांदी के डिनर सेट अलाउड है, एक वो जनरल खाने के लिए, एक कोई गेस्ट वगैरह आता है, हमारे घर में भी ऐसे होता है, एक क्रॉकरी हम अपने गेस्ट के लिए रखते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा आपके घर में भी एक स्पेशल क्रॉकरी होती है अच्छे वाली, जब गेस्ट आते मम्मी निकालती है और वो सब गेस्ट के लिए रखी जाती है, और जैसे गेस्ट चले जाते हैं आपको हाथ लगाने नहीं जाती, मम्मी वापस फटाफट रख के आती है, हालांकि आप कहते हो कि मम्मी हम इसी क्रॉकरी में खाना खाएंगे, लेकिन नो, वो जो पुराने वाले वही खाओ तो 2 क्रॉकरी होती है, तो वो बस वही समझ लो आपकी चांदी के बर्तन जो होते हैं ना वो 2 डिनर सेट तक अलाउड है। मेरी एडवाइस है अगर आप कैपिटल गेन बचाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 2 चांदी के डिनर सेट खरीद लो भाई। आज के दिन चांदी का डिनर सेट बनवाओगे, भारी भारी थाली, तो कम से कम भी लाख लाख रुपए का बन जाएगा, आराम से लाख से भी ऊपर बन जाएगा, तो 1.5-3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट आराम से कर लोगे आप, और कल को आप चांदी के रेट बढ़ेंगे उसे बेचोगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने सोने के बर्तन बेचे, बोले हमारा हिंदू धर्म में सोने के बर्तन में खाना खाया करते थे। इनकम टैक्स ने कहा पड़ेगी कान के नीचे, सोने के बर्तन में खाते थे खाना, चांदी के बर्तन में खाते थे तुम लोग, सोने के बर्तन थोड़े थे, सोने के बर्तन पर कैपिटल गेन लगाया गया। इवन एक सेट है, डिनर सेट है, तो भी कैपिटल गेन लगाया गया। तो सिर्फ चांदी के, सिल्वर यूटेंसिल इज अलाउड, गोल्ड यूटेंसिल इज नॉट अलाउड। थोड़े से केसेस थे, मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। सर मैंने आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन करवा दी है, एक पॉइंट अभी भी बचा है। सर वो एक पॉइंट क्या है, उसे करवाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं। सर वो एक पॉइंट क्या है उसको करवाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, फिर वो पॉइंट कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सर देखो आ जाओ बता देता हूं अभी। सर मैं एक ज्वेलर हूं,
सर मैं एक ज्वेलर हूं, ज्वेलरी मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, यस सर नो? बताइए सर, मैं एक ज्वेलर हूं, ज्वेलरी मेरे दुकान में रखी है, वो मेरी स्टॉक इन ट्रेड है या नहीं? बिल्कुल है। क्या ये कैपिटल एसेट है? सर नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों सर? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब। सर मैं एक आम आदमी हूं, ज्वेलरी मेरे घर में रखी है मेरी वाइफ के पास, क्या वो कैपिटल एसेट है? सर बिल्कुल कैपिटल एसेट है, क्योंकि वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। बिल्कुल सही बात। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना सर, एक एसेट कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड? क्या ये एसेट की नेचर पे पता लगता है कि एसेट कौन सी है, या ये पता लगता है कि हमने उसे किस मैनर में रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब। एन एसेट वेदर अ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट। किसी एसेट की नेचर को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है। हमने उसे किस मैनर से रखा हुआ है, किस तरीके से हमने रखा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि वो कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड। ज्वेलर के लिए ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है, और वही ज्वेलरी एक इन्वेस्टर के लिए कैपिटल एसेट है। सर मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास शेयर्स है, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं ब्रोकर हूं सर, शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। मैं ब्रोकर हूं, शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। मैं ब्रोकर हूं, शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने शेयर लेकर रखे हुए हैं, काम तो मैं टीचिंग का करता हूं, ऐसे ही शेयर खरीद रखे हैं, अब मेरे लिए कैपिटल एसेट है, अब मेरे लिए शेयर्स कैपिटल एसेट है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? सर मैंने मैंने सर कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो सर, कोई भी एग्जांपल। मेरे पास 10 चेयर्स है, 10 चेयर्स मेरे घर में, 10 चेयर्स है सर, मेरी चेयर मेरे घर में है, मेरे वैसे यूज के लिए है सर, ये मेरी कैपिटल एसेट हो सकती है, या मेरे बिजनेस में है, घर पे नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट हो गया, पर्सनल यूज, ओके। चेयर मेरे ऑफिस में रखी है, मेरे मेरे इस ऑफिस में 10 चेयर है सर, मेरी कैपिटल एसेट है, मेरी कैपिटल एसेट है, क्योंकि ये मूवेबल तो है लेकिन बिजनेस यूज है, पर्सनल यूज नहीं है। लेकिन सर अगर मैं चेयर्स बनाता हूं, अगर मेरा काम चेयर्स बनाना है तो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मैं चेयर बेचता हूं तो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है। ओके सर, यहां पर ना इस जो मैंने अभी आपको बताया ना, इस पॉइंट पर एक अमेंडमेंट हुई पॉइंट बी के रूप में, अभी नहीं काफी टाइम पहले अमेंडमेंट हुई थी, अब तो पुरानी बात हो गई। वो कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एफआईआई। सर एफआईआई कौन होते हैं? सर ये वो लोग होते हैं जो बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं सर, बड़े अमीर लोग होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हम लोग जाते हैं ना सब्जी लेने, भाई साहब भिंडी कितने की है, अरे यार कम कर, वो साथ वाला इतने में दे रहा है। तो हम इंडियन जैसे बात करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये पूरा सामान कितने का है, सारा दे दे। क्यों? इनके पास लॉट्स ऑफ फंड है। सर मैं शेयर्स खरीदने जाऊंगा ना, शेयर कितने का चल रहा है, 92 का चल रहा है, अच्छा 85 का आने दे, फिर लूंगा भाई, 85 का हो जाएगा फिर ले लूंगा। ये क्या बोलते हैं, 92 का चल रहा है, इसी रेट पर 2 लाख शेयर खरीद लो, 10 लाख खरीद लो। सर एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग। सर लोग कहते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, अगर इनके पास कोई सिक्योरिटीज है, इन्होंने कोई सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, शेयर्स सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटीज है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन अकॉर्डेंस विद द सेबी, इन अकॉर्डेंस विद द सेबी, तो सर वो हमेशा कैपिटल एसेट रहेगी। देखो बी पॉइंट, बी पॉइंट जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में है, डज नॉट इंक्लूड से पहले है। सर कैपिटल एसेट मींस सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई। सर क्वेश्चन आया, एक एफआईआई का काम ही ये है कि सिक्योरिटी खरीदना और बेचना, अब तो स्टॉक इन ट्रेड है, लोग कहते हैं नहीं, हमने ऊपर ही लिख दिया बी पॉइंट, ऊपर लिख दिया कैपिटल एसेट में, एफआईआई अगर सिक्योरिटी हेल्ड करता है तो वो कैपिटल एसेट ही रहेगी, स्टॉक इन ट्रेड नहीं बनेगा, चाहे वो काम करता हो। बोले यस, ये देखो लिखा हुआ है बी पॉइंट में, लिखा है डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, ऊपर ब्रैकेट में लिखा है अदर देन सिक्योरिटी रेफर टू इन सब क्लोज बी, इसको छोड़कर, क्योंकि ये वाली सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड नहीं बनेगी, जो ऊपर क्लोज बी में लिखी है इसे हम सिक्योरिटी को स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे, ये कैपिटल एसेट में डज नॉट इंक्लूड में नहीं आएगी, ये तो इंक्लूड में ही आएगी। सर लमसम एक बात बता दूं आपको, पूरा एनालिसिस करने के बाद आप समझ गए हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, इनके पास जो सिक्योरिटी होती है, जो एज पर सेबी इन्वेस्टमेंट होती है इनकी, सर ये सिक्योरिटी ऑलवेज कैपिटल एसेट है, ऑलवेज कैपिटल एसेट है, इवन अगर स्टॉक इन ट्रेड है ना सर, तो भी कैपिटल एसेट की तरह ही ट्रीट की जाएगी, इट इज ऑलवेज कैपिटल एसेट, इट कैन नेवर बी
नॉट अ कैपिटल एसेट, इट इज ऑलवेज टोकन कैपिटल एसेट, इट इज ऑलवेज कैपिटल एसेट. क्लियर होगा सर ये पॉइंट. सर फाइनली टाइम टेकिंग सेक्शन था, काफी लंबा सेक्शन था, बट फाइनली वी हैव डन, हमने कैपिटल एसेट डेफिनेशन कर लिया. सर एक क्वेश्चन है, टेस्ट. सर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक टेस्ट लूंगा आपका, इस टेस्ट का आपको आंसर देना है, और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और करवाऊंगा, एंड देन हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो ओवर हो जाएगी, पहली क्लास हमारी ओवर हो जाएगी. सर पहला पॉइंट है टेस्ट, वेदर एन एसेट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट. सर आपको यही बताना है. सर रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा, दो बस दो मिनट में रिवाइज करवा दूं. सर सर चार एसेट नॉट ए कैपिटल एसेट है, याद कर लो, चार एसेट नॉट ए कैपिटल एसेट है. सर एक एक कौन सी नॉट ए कैपिटल, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल. दो सर दूसरी कौन सी नॉट ए कैपिटल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट. ठीक है सर, लेकिन इसके अंदर जो है ना एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब वो कैपिटल एसेट है, और सर वो है ज्वेलरी एटसेट्रा, वो मैंने करवा दिया था. सर तीसरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया. ठीक है सर, चौथी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड. सर कौन कौन सी कैपिटल एसेट है, कौन कौन सी कैपिटल एसेट है. सर सर एक तो एफआईआई के पास कोई भी सिक्योरिटी है वो कैपिटल एसेट है. नंबर टू जो ज्वेलरी एटसेट्रा वाली इफेक्ट है वो है, और नंबर थ्री एनी अदर. एनी अदर का मतलब है इन चार को छोड़कर जो बाकी बच गई वो सारी कैपिटल एसेट है. ठीक है सर, थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा दिया, छोटा सा टेस्ट है ले लूंगा, क्लियर हो जाएगा. पहला, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज पर्सनल यूज. सर देखो क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है, नहीं, पर्सनल यूज. सर क्या ये पर्सनल इफेक्ट है, नो, मूवेबल नहीं है ना, मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, तो पर्सनल इफेक्ट नहीं है. क्या ये रूरल एग्रीकल्चर, नो, जीरो कूपन गोल्ड डिपॉजिट बोर्ड, नहीं सर, ये फिर कैपिटल एसेट है, बस सिंपल. सर वियरिंग एप्रन, सर ये तो पर्सनल इफेक्ट होता है, नॉट ए कैपिटल एसेट. फर्नीचर यूज्ड इन कोचिंग सेंटर, सर देखो क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है. सर कोचिंग सेंटर में 60 चेयर रखी है, 50 चेयर है, क्या वो चेयर उन्होंने बेचने के लिए रखी है. कोचिंग सेंटर अमित कुमार क्लासेस है, फेस टू फेस क्लासेस दे रहा है अमित कुमार क्लासेस, मान लो 50 चेयर्स हैं, 100 चेयर्स हैं, क्या हम बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, नहीं सर, स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए, तो सर स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं है. क्या पर्सनल इफेक्ट है, नो सर, पर्सनल इफेक्ट तो पर्सनल यूज होता है, ये तो बिजनेस यूज है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड और जीरो कूपन बॉन्ड की बात तो चलेगी नहीं, कैपिटल एसेट है. शर्ट विद गोल्ड बटन, सर ये कैपिटल एसेट है. सिल्वर यूटेंसिल अप टू रीजनेबल क्वांटिटी, माफ किया है, नॉट ए कैपिटल एसेट. सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय एफआईआई, सर देखो एफआईआई के पास अगर सिक्योरिटी है, एफआईआई के पास सिक्योरिटी है, तो वो ऑलवेज कैपिटल एसेट है. अगर बाय अदर देन एफआईआई है और वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो नॉट ए कैपिटल एसेट है, नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट है सर उस केस में, बिकॉज अदर देन एफआईआई है और ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये स्टॉक इन ट्रेड है. अगली बात करें, लैंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर, ऑलवेज नॉट ए कैपिटल एसेट, ऑलवेज नॉट ए कैपिटल एसेट. डिपॉजिट सर्टिफिकेट, नॉट ए कैपिटल एसेट. सर ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया. सर एक छोटा सा चीज पूछूंगा आपसे, एक छोटी सी चीज पूछूंगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया. यहां पर एक छोटा सा मुझसे बात करनी है आपके साथ, फिर मेरा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, ये आपको नोट करना है सर, दो नोट है ये आपको पढ़ने हैं और साथ में नोट डाउन करने हैं, फिर ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट, पहला क्लास कंप्लीट. नोट वन फॉर द, ये नोट टू पहले पढ़ेंगे आप. Whether an asset is capital asset or stock in trade, it does not depend upon nature of asset, but it depends upon the manner in which it is held. तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एसेट कौन सी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे हेल्ड किया है. So for the purpose of charging underhead capital gain, an asset must be capital asset as on the date of transfer. Sir, जिस दिन आप capital asset को बेचोगे उस दिन गेन आएगा, उस दिन चैप्टर लगेगा. आपको याद हो सर सेक्शन 45(1) कहता है
कि इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, तो जिस दिन आप बेचते हो ना सर, उस टाइम उसका कैपिटल एसेट होना चाहिए। सर एक कैपिटल एसेट का, कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए एसेट का कैपिटल एसेट कब होना चाहिए, एसेट का कैपिटल एसेट कब होना चाहिए सर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। बोले सर क्लियर और नॉट क्लियर? सर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, सर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। आपको पहला लेक्चर कम, सर आई होप आप लोगों को पहला लेक्चर क्लियर हो गया, तो आप यहां तक पढ़ लीजिए सर, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।